हाय गाइस, दिस इज तमेश और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर निकाक्सा वर्सेस लियोन। सो गाइस, ये मेक्सिकन लीग का मैच खेला जाएगा अर्ली मॉर्निंग 6:30। तो आप फटाफट से इस वीडियो में आप जो भी की प्लेयर्स हैं और जो हमारा सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं, ताकि आप एक कॉम्बिनेशन अपना बना लें एज सून एज लाइनअप्स आ जाएँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम टेबल देखें तो आप देख सकते हैं कि लियोन एंड निकाक्सा ये दोनों 8th प्लेस पर और 12th प्लेस पर हैं। सो मेक्सिकन लीग का मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो चैंपियंस होते हैं। एक पार्ट जो है वो दिसंबर के अराउंड ख़त्म हो जाता है एंड दूसरा पार्ट जो है वो अभी जनवरी में स्टार्ट होता है। तो लियोन का आप देख सकते हैं वो 8th प्लेस पर है विद 8th प्लेस पर है विद 8 पॉइंट्स फ्रॉम 6 गेम्स, सिर्फ दो ही मैचेस जीत पाई है। निकाक्सा की बात करें तो वो नीचे 12th प्लेस पर है विद 7 पॉइंट्स फ्रॉम 6 गेम्स, वो भी दो मैचेस जीती हैं बट निकाक्सा एक मैच ज़्यादा हारी है। एंड अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें दोनों टीम्स का तो काफ़ी सिमिलर है। दोनों टीम्स दो मैच जीती हैं, एक ड्रॉ किया और दो हारी हैं फ्रॉम देयर 5 गेम्स, तो एक सिमिलर रन ऑफ फॉर्म में है। बट अगर हम पिछले फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लियोन 3rd प्लेस पे फिनिश हुई थी, बट निकाक्सा जो थी वो 14th प्लेस पर फिनिश हुई थी अपने लीग के फर्स्ट पार्ट में। सो आई थिंक उसमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं दोनों के क्वालिटीज़ का। रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हम निकाक्सा का देख सकते हैं, दो सारे लीग मैचेस हैं तो दो जीती है, दो हारी है, एक ड्रॉ किया है। अपना लास्ट मैच उन्होंने ड्रॉ किया था एंड पिछले 6 मैचेस में उन्होंने गोल्स काफ़ी कंसीड करे हैं, 12 गोल्स उन्होंने कंसीड करे हैं इन टोटल। एंड लियोन की बात करें तो अपने पिछले 3 मैचेस वो जीती हैं बट 2 मैचेस जो हैं वो लीग के नहीं हैं एंड किसी कप के हैं जो उन्होंने 2 लेग्स में खेले, एक अगेंस्ट गुयास्टा टोया जो कि फर्स्ट लेग में उन्होंने 2-0 उनको हराया एंड सेकेंड लेग में 1-0 हराया। एंड पिछले 5 मैच में उन्होंने 7 गोल स्कोर करे हैं। स्टैट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लियोन पिछले 8 मैचेस जो उनके हुए हैं निकाक्सा के अगेंस्ट उनमें अनबीटन है। एंड सेकंड स्टैट की बात करें तो निकाक्सा अपने पिछले 6 होम मैचेस जो उनके हुए हैं लियोन के अगेंस्ट उसमें से एक भी नहीं जीती है। सो आई थिंक होम मैचेस में निकाक्सा काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, प्लस ओवरऑल भी उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। एंड निकाक्सा की बात करें सो उन्होंने जो उनकी दो अभी तक की जो होम गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने 7 गोल्स कंसीड करे हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये मैच होता है। एंड अगर आप और स्टैट देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें सो ये दोनों आपकी एक्सपेक्टेड 11 होंगी, जहाँ पे कुछ कुछ की प्लेयर्स जो हैं दोनों टीम्स के वो इंजर्ड हैं एंड दोनों ही अटैक में हैं। की प्लेयर्स की अगर हम बात करें सो आप निकाक्सा का देख सकते हैं कि एग्वायर जो कि हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर हैं, वो इंजर्ड हैं, वो स्टार्टिंग लाइनअप में भी आ सकते हैं बट अभी के लिए वो काफ़ी डाउटफुल हैं। एंड सिमिलरली अगर हम लियोन की बात करें सो मीना जो कि 11 गोल्स 3 असिस्ट जो उन्होंने प्रोवाइड करे हैं वो भी डाउटफुल हैं इस गेम के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास एल गार्सिया है जिन्होंने 4 गोल्स 1 असिस्ट दिए हैं एंड मेदीना है जिन्होंने 1 गोल 1 असिस्ट दिया है, बट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेज रही हैं। एंड लियोन की बात करें सो आपके पास डेविला है जिन्होंने 10 गोल्स 4 असिस्ट दिए हैं काफ़ी इंप्रेसिवली, जो कि अगर मीना नहीं खेलते तो आई थिंक डेविला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। एंड मेनेसिस सबसे नीचे आप देख सकते हैं 1 गोल 4 असिस्ट, जॉइंट हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर हैं। उसके अलावा टेसिलो आप देख सकते हैं डिफेंडर हैं बट 2 गोल्स 1 असिस्ट दिए हैं लियोन के लिए। एंड हमारे की प्लेयर्स भी वही हैं, डेविला है, मेनेसिस हैं, गार्सिया है, टेसिलो है एंड मदीना है। ये 5 प्लेयर्स आई थिंक इनके अराउंड आपको अपनी टीम्स बनानी चाहिए। ये हमारा सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है। वी आर गोइंग फॉर अ फ्रंट 3 क्योंकि आई थिंक आपको मिडफील्ड से ज़्यादा वैल्यू आपको अटैक में मिलेगी, जिस वजह से डिविया, मेनेसिस एंड गार्सिया ये तीनों आपके लिए कंसिडरेशन होंगे फॉर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, क्योंकि तीनों ही अपने तीनों ने तीनों के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं एंड तीनों ने काफ़ी इंप्रेसिवली परफॉर्म किया है। तो आप एक फ्रंट 3 को रख सकते हैं। मिडफील्ड की बात करें तो मेडिना है, गुंजालेस एंड कोलम्बाटो। कोलम्बाटो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, उनका भी अच्छा गोल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उनको भी एक कंसिडरेशन में ले सकते हैं। बट आई थिंक मिडफील्डर्स में आपको इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा वैल्यू मोर ऑफ गोल मोर ऑफ डिफेंसिव एक्शंस और टैकल्स इंटरसेप्शंस में मिलेगी एंड पासिस में मिलेगी।
एंड डिफेंस में जाने से पहले प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिफेंस की बात करें तो अभी के लिए टेसिल्वा एज आई सेड वन ऑफ द की प्लेयर्स हैं, उसके अलावा रॉड्रीगेज हैं, डोमिनिक्वेज हैं एंड मैलेगन हैं जो कि निकाजा के कीपर हैं, उनको हमने रखा है फॉर द सेफ पॉइंट्स। एंड हमने अभी के लिए दो डिफेंडर रखे लियोन के लिए बिकॉज आई थिंक उनका एक अपर हैंड है, एक उनका बेटर रिकॉर्ड रहा है दोनों फर्स्ट पार्ट में भी और इस सेकेंड पार्ट ऑफ द सीजन में भी उनका अच्छा पोजिशन है ओवर निकाक्जा। तो आई थिंक हम इसलिए हम लियोन को फेवर कर रहे हैं इस मैच में। एंड फॉर इलेवेंथ प्लेयर कौन है, हमने मो ज़्यादा लियोन के प्लेयर्स आपको सजेस्ट करें, मोस्क्वेरा। अगर आप डिफेंडर्स तीन लियोन के डिफेंडर्स करना चाहते हैं और एक निकाक्जा करना चाहते हैं तो आप मोस्क्वेरा को लेकर आ सकते हैं, बट अगर आप डिफेंस को बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो आप एलेक्सिस पीना को लेकर आ सकते हैं। एंड अगर आप लियोन के मिडफील्ड में कुछ एडिशन करना चाहते हैं या फिर थोड़ा उनको एडवांटेज देना चाहते हैं तो आप मॉन्टेज को भी लेकर आ सकते हैं, बट आई थिंक एक बैक फोर को रखना वुड बी अ सेंसिबल चॉइस इस मैच के लिए। बाकी जो हमारी फाइनल टीम होगी वो डेडलाइन से 10 मिनट पहले आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी, आपको वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट एंड हैव अ गुड गेम।